नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेविक्स टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, प्लेविक्स टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और प्लेविक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि प्लेविक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में प्लेविक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्लेविक्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन क्लोपिडोग्रेल होता है। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट 75 mg, 150 mg व 300 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। प्लेविक्स टैबलेट एंटीप्लेटलेट ड्रग क्लास की दवा है जो खून को पतला करती है और शरीर की नसों में खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करती है। प्लेविक्स टैबलेट खून को पतला रखती है जिसकी वजह से दिल का दौरा और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लकवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में आगे दिल के दौरे या लकवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्टर प्लेविक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेविक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्लेविक्स टैबलेट खून को पतला करती है जिसकी वजह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप प्लेविक्स टैबलेट को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्लेविक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में प्लेविक्स टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, नाक से खून आना, दस्त, बदहजमी, सीने में जलन, शरीर में थकान, पेट में दर्द, पेट में ब्लीडिंग और सिर दर्द हो सकता है। प्लेविक्स टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको प्लेविक्स टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेविक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में प्लेविक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर प्लेविक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना प्लेविक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से 1 से लेकर 2 सप्ताह पहले प्लेविक्स टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है तो आपको प्लेविक्स टैबलेट के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को प्लेविक्स टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को प्लेविक्स टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेविक्स टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। प्लेविक्स टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में प्लेविक्स 75 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। प्लेविक्स टैबलेट को हर रोज एक टाइम पर लेना रिकमेंडेड होता है। मान लीजिए आज आपने प्लेविक्स टैबलेट को सुबह 7 बजे लिया है तो आपको हर रोज प्लेविक्स टैबलेट को सुबह 7 बजे ही लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं प्लेविक्स टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए प्लेविक्स टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्लेविक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका प्लेविक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।